हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद निगम सर पर। बिल्कुल देखिएगा, 2000 प्रश्नों की ये सीरीज है और सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। यस, और यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चंस की जो संख्या है वो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो है, ध्यान रखिएगा, सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस, सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 140 दिन, 240 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। तो सबसे पहले आप लोग 1 लिखेंगे, इसके बाद में राइट आंसर क्या है तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, तो यहां पर साथ में लिख देंगे सी। क्या लिख देंगे बोलो? सी। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहां पर जो है 1 का क्या होगा बोलो? सी वाला होगा, 280 दिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। लेबर रूम का तापमान है ना, लेबर रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 2, और इसका राइट आंसर क्या है बोलो? सी वाला है, अर्थात ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 नंबर है। क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। निषेचित अंडे का गर्भाशय में आरोपण है ना, कितने दिनों में पूर्ण होता है? यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं पूर्ण की। यस, कितने दिनों में जो है पूर्ण होता है आप बताएंगे जल्दी से। 7 दिन होगा, 11 दिन होगा, 17 दिन होगा या फिर होगा 31 दिन। दो प्रोसेस जो होती है, प्रारंभ होना और पूर्ण होना, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्ण होने की, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 दिन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे क्या होगा। निम्न में से हिपेरिन किस प्रकार की दवा है? तो हिपेरिन जो है वो किस प्रकार की दवा है ये आपको बताना है। एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, उच्च रक्तदाब रोधी है या फिर स्कंदन रोधी है? फटाफट आप लोग आंसर कर देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 4, और इसके बाद लिख देंगे राइट आंसर क्या है पता है आपको? यस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा, स्कंदन रोधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा, यदि आपको वाकई शानदार तैयारी करनी है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, सभी ऑप्शन को देखें और उसके बाद अपना आंसर जरूर दें। यस, अपना आंसर जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूणी जनन स्तर, यहां पर देखिएगा एंडोडर्म की बात हो रही है, एंडोडर्म से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं, तो लार ग्रंथियां, अस्थियां, यकृत एवं पित्ताशय या फिर उपरोक्त सभी। एंडोडर्म से विकसित होने वाली संरचना आपको बताना है, 5 का राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यकृत एवं पित्ताशय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, फटाफट देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6, भ्रूणीय जनन स्तर, अब हम बात कर रहे हैं मीजोडर्म की, मीजोडर्म से विकसित होने वाली संरचनाएं हैं। अब देखिएगा मीजोडर्म की बात करेंगे, यस, यकृत एवं पित्ताशय, अस्थियां और उपास्थियां, लार ग्रंथियां या फिर होगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की तरफ फोकस करेंगे, बिल्कुल देखिएगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा बोलो? 6 का बी वाला होगा, अस्थियां एवं उपास्थियां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, फटाफट देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर, 7 नंबर देखिए क्या है। निम्न में से भ्रूणीय जनन स्तर, एक्टोडर्म की बात हो रही है, से विकसित होने वाली संरचना है। अब एक्टोडर्म देखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, एपिडर्मिस होगा, पीयूष ग्रंथि होगा या फिर होगा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्टोडर्म से विकसित होने वाली संरचना जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी होती है, एपिडर्मिस भी होती है, पीयूष ग्रंथि भी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फटाफट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 है,
पेंटा फाइव की दो खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? 1, 4, 9 या फिर 17, है ना? कितने सप्ताह का अंतराल होना चाहिए पेंटा फाइव की दो खुराकों के बीच? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कम से कम जो है 4 सप्ताह, कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल जरूर होना चाहिए। 4 सप्ताह का मतलब क्या होता है बोलो? 1 महीना। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, रोटा वायरस की दो खुराकों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? अब रोटा वायरस की है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह या फिर 8 सप्ताह। तो जल्दी से इसका भी आंसर हम लोग जान लेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 4 सप्ताह कह लीजिए या फिर कह लीजिए 1 माह। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। निम्न में से खसरे का लक्षण है? त्वचा पर चकत्ते बनना, खांसी, छींके आना या फिर होगा उपरोक्त सभी? तो खसरे का लक्षण आपको बताना है। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल जबरदस्त सिलेक्टेड क्वेश्चन से आंसर आप लोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। त्वचे पर चकत्ते बनना, खांसी है, छींके आना, ये सभी के सभी क्या है बोलो? खसरे के लक्षण है। आगे देख लेते हैं फटाफट। देखिए 11 नंबर है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो चिकन पॉक्स जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, वायरस के द्वारा होता है, प्रोटोजुआ के द्वारा होता है या फिर होगा इनमें से कोई नहीं? 11 का राइट आंसर जल्दी से लॉक करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखिएगा बी होगा, वायरस जो है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे 12 नंबर की, काली खांसी किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है? यस, काली खांसी प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे, यस ये जो है किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है? फटाक से 12 का राइट आंसर कर देंगे। और देखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया जो है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे हम बात करेंगे 13 नंबर की, ORS का उपयोग मुख्यतः किस बीमारी में किया जाता है? डिप्थीरिया, खसरा, हैजा, पोलियो? जल्दी से बताएंगे, यस ORS है, इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः किस बीमारी में होता है? जल्दी से आप लोग बता देंगे, 13 का राइट आंसर कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हैजा, हैजा जो है यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे हम लोग 14 नंबर की बात करेंगे, 2010 में देश की अनुमानित परिप्रसव मृत्यु दर कितनी थी? देश की अनुमानित और वो भी क्या बोलो, परिप्रसव मृत्यु दर 12, 32, 45 या फिर 75? राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 32 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा 15 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से स्वास्थ्य की सबसे अधिक मान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सबसे अधिक मान्य परिभाषा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? 15 का आंसर फटाक से आप लोग कर देंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे, बिल्कुल सी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 16 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल देखिए क्या है यहां पर, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक टीकाकरण है कितने समय के भीतर पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया? 1, 3, 11, 21? जल्दी से बताएंगे, कितने वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? फटाक से आप लोग बता दीजिए, कितने वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, हम बढ़ेंगे बिल्कुल 17 की तरफ, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए जीवाणुओं की होती है, जानवर की होती है, जीवित कोशिकाओं की होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? 17 का राइट आंसर जान लेते हैं फटाफट, है ना, जीवित कोशिकाओं की। वायरस के विकास के लिए जो है जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा 18 नंबर बात करेंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया में सहायक है? जल्दी से बताएंगे, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न अंगों में से कौन सा अंग श्वसन प्रक्रिया में सहायक है? फेफड़े, आमाशय, मस्तिष्क या फिर वृक्क? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कोशिश करके बता देंगे, और ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, फेफड़ा जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
आगे देखिए 19 नंबर है, पेरिनियम की देखभाल से आप क्या समझते हैं? पेरिनियम है मुख की देखभाल, हाथों के नाखूनों की देखभाल, मुख गुहा की देखभाल, या फिर बाह्य जननांगों के आसपास के क्षेत्र की देखभाल। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिएगा 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बाह्य जननांगों के आसपास के क्षेत्र की देखभाल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पेरिनियम की देखभाल। आगे बढ़ेंगे फटाफट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्या होगा? सूतिका अवस्था के दौरान योनि से होकर निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं, सर्वाइकल अवस्था कहते हैं, सूतिका स्राव बोलते हैं, या फिर बोलते हैं उपरोक्त सभी। तो आखिर यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए ये आप बताएंगे, बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सूतिका स्राव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, वीडियो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक लाइक करेंगे, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे, बिल्कुल एकदम से ज़बरदस्त क्लास है। थैंक यू एवरीवन।